नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस न्यूज और मैं हूं आपके साथ सीमा। बढ़ते हैं खास खबरों की ओर। बलिया जिले के रसरा आदर्श नगर पालिका परिषद के सौजन्य के गांधी पार्क मैदान में विकास दीपोत्सव कार्यक्रम के तहत भव्य दीपावली मेले का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रदेश सरकार द्वारा दीपावली पर्व को हर्षोल्लास पूर्वक मनाए जाने के उद्देश्य से जनपद स्तर पर विभिन्न मनोरंजनात्मक गतिविधियाँ क्रियान्वित करने, स्ट्रीट वेंडर पथ विक्रेताओं को सामग्री विक्रय कर उन्हें अपनी आय बढ़ाने हेतु एक प्लेटफॉर्म देकर जनपद स्तर पर नियोजित रूप से आकर्षक मेले का आयोजन गांधी पार्क के मैदान में भव्य रूप से किया गया। मेले का शुभारंभ सलेमपुर के सांसद रविंद्र कुशवाहा ने फीता काट कर किया और सर्वप्रथम माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ निवर्तमान अध्यक्ष आदर्श नगर पालिका परिषद रसरा वशिष्ठ नारायण सोनी, उप जिलाधिकारी प्रभु दयाल, श्रीनाथ जी मठ के महंत कौशलेंद्र गिरी, प्रदीप गुप्ता एवं अन्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर किया। इनके सम्मान में बीएचयू की छात्रा द्वारा नृत्य प्रस्तुतिकरण किया गया। कार्यक्रम में माननीय मुख्य अतिथि ने अपने संबोधन में कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित विकास दीपोत्सव मेले के इस ऐतिहासिक अवसर पर आज गांधी पार्क में सुनियोजित ढंग से मेले का सफल आयोजन किया गया है। इस मेले का मुख्य उद्देश्य समाज के ऐसे व्यक्ति जो रेहड़ी पटरी फुटपाथ पर अपना जीवन यापन करने हेतु दुकान लगाते हैं, उनकी आय बढ़ाने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार के निर्देश पर पहली बार इस तरह का आयोजन जनपद के समस्त नगर पालिका पंचायत क्षेत्रों के चयनित स्थानों पर किया गया है। उन्होंने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय का सपना अंत्योदय तक पहुंचने का था। समाज के निचले पायदान पर जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों के जीवन में खुशहाली आए, जिसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा साकार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी का ये संकल्प है कि समाज के अंतिम पायदान तक हर व्यक्ति तक लाभप्रद योजना का लाभ पहुँचे, जिसके लिए हमारी सरकार काम कर रही है, ताकि उन्हें एहसास हो कि एक दिन दीपावली का त्योहार नहीं होता बल्कि हर दिन दिवाली का दिन है। ऐसी ही सरकार की मंशा है। उन्होंने स्वदेशी वस्तुओं को प्राथमिकता देने एवं चाइनीज वस्तुओं का बहिष्कार करते हुए अपने देश में निर्मित वस्तुओं का उपयोग करने की अपील की। स्वदेशी का नारा, जिसे महात्मा गांधी ने दिया था, जिसे देश के प्रधानमंत्री द्वारा साकार किया जा रहा है। इस मेले में खाने पीने से लेकर घरेलू उपयोग सहित सरकारी योजनाओं के काउंटर भी बनाए गए हैं, जिससे लोग सरकार की योजनाओं के बारे में समझ सकेंगे और उनका लाभ भी ले सकेंगे। राघवेंद्र कुमार गौतम की रिपोर्ट। मेले के मुख्य अतिथि माननीय रविंद्र कुशवाहा जी गांधी पार्क गेट से पहुंच गए हैं। जोरदार ताली बजाकर आपको सम्मान बढ़ा दीजिए, जोरदार ताली बजाइए।